हेलो दोस्तों, जेबीटेक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, सैमसंग अपने मिड रेंज स्मार्टफोन लॉन्च पे लॉन्च किया जा रहा है और एक और नया स्मार्टफोन जो है सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है, सैमसंग गैलेक्सी M11। ये भी दोस्तों मिड रेंज स्मार्टफोन है, तो आज के वीडियो में इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर स्क्रीन आपको मिलती है 6.4 इंचेस की HD+ इसके अंदर स्क्रीन मिलती है और ये आपको पंच होल के साथ में मिलती है। डिज़ाइन की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर आपको जो प्लास्टिक बैग का ही डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है, बिल्कुल नॉर्मल सा। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। दोस्तों, बैटरी इसमें आपको अच्छी देखने के लिए मिलती है, 5000 mAh की इसके अंदर आपको बैटरी देखने के लिए मिलती है और साथ में आपको जो है 15W का फास्ट चार्जर मिल जाता है और इसके अंदर ही आपको जो है USB Type-C पोर्ट भी मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। इसके अंदर सिम स्लॉट्स की बात करें दोस्तों, तो ट्रिपल सिम स्लॉट आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आप जो है 2 नैनो सिम और 1 SD कार्ड भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस की। तो इसके अंदर जो प्रोसेसर मिलता है दोस्तों, वो मिलता है आपको स्नैपड्रैगन का 450 चिपसेट, जो कि काफ़ी पुराना प्रोसेसर है, लेकिन आपको इसके अंदर जो है डेली यूजेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन इसके अंदर आप जो है हेवी गेम्स को नहीं खेल सकते हो दोस्तों, इसके अंदर आपको लैग देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर दोस्तों आपको जो है कैमरा टू API का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे आप जो है GCam को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको जो है वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है दोस्तों, तो ये भी अच्छी बात है। और पीछे की तरफ ही आपको जो है दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कैमरास की। तो दोस्तों, पीछे की तरफ आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें से जो मेन सेंसर है वो आपको मिलता है 13 MP का, और दूसरा जो कैमरा है वो आपको 5 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, और तीसरे कैमरे की बात करें तो दोस्तों 2 MP का आपको डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया है। और फ्रंट में सेल्फी कैमरे की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर आपको 8 MP की जो है सेल्फी देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों, ये तो थे इसके स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स। अब बात करते हैं इसके वेरिएंट्स की और प्राइस की। इसके अंदर आपको 2 वेरिएंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें से जो पहला वेरिएंट है 3GB+32GB, इसकी प्राइस रखी गई है दोस्तों 10999, यानी कि आपको 11,000 का ये मिल जाता है। दूसरे वेरिएंट की बात करें दोस्तों, वो मिल जाता है आपको 4GB+64GB, इसकी प्राइस रखी गई है 12999, यानी 13,000 का आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी सैमसंग M11 की पूरी कहानी। इसके अंदर आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा और दोस्तों इसके अंदर आपको क्या कमी लगी, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।